पोंटो साहिब के नगर पालिका मैदान में एक 14 वर्षीय बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा। पोंटो साहिब के नगर पालिका मैदान में एक 14 वर्षीय बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। घायल अवस्था में नाबालिग को पोंटो सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शाम नगर परिषद के मैदान में गुरुद्वारा श्री पोंटो साहिब के शरारती बच्चे द्वारा एक नाबालिग बच्चे की पिटाई की गई। किशोर वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है। वह मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी गुरुद्वारा में रहने वाले कुछ नाबालिग बच्चे आए और उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई है कि सर में दो टांके आए हैं। फिलहाल सूरज के माँ बाप ने पोंटो थाने में शिकायत दी है। इन चारों नाबालिग आरोपियों को थाने बुलाया गया है, तो वहीं किशोर के पीड़ित परिजनों को भी बुलाया गया है और उनकी मारपीट की हरकतों से अवगत करवाया गया है। इस पूरे मामले में सभी नाबालिग 14 से 15 वर्ष के थे, इसलिए फिलहाल पुलिस ने माफीनामा लिखवा कर इन बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया है और भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह की शिकायत आती है तो सिर्फ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 14 से 18 साल के बच्चों के परिजनों से थाना प्रभारी अशोक चौहान ने अपील करते हुए कहा कि इस उम्र में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। परिजन अपने बच्चों की हत्या कर उनके आने जाने और उनके साथियों पर भी नजर रखें, ताकि इस तरह की किसी भी हरकत के लिए उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पोंटो साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। पोंटो साहिब के नगर पालिका मैदान में एक 14 वर्षीय बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा। पोंटो साहिब के नगर पालिका मैदान में एक 14 वर्षीय बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। घायल अवस्था में नाबालिग को पोंटो सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक शाम नगर परिषद के मैदान में गुरुद्वारा श्री पोंटो साहिब के शरारती बच्चे द्वारा एक नाबालिग बच्चे की पिटाई की गई। किशोर वार्ड नंबर 7 का रहने वाला है। वह मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी गुरुद्वारा में रहने वाले कुछ नाबालिग बच्चे आए और उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई है कि सर में दो टांके आए हैं। फिलहाल सूरज के माँ बाप ने पोंटो थाने में शिकायत दी है। इन चारों नाबालिग आरोपियों को थाने बुलाया गया है, तो वहीं किशोर के पीड़ित परिजनों को भी बुलाया गया है और उनकी मारपीट की हरकतों से अवगत करवाया गया है। इस पूरे मामले में सभी नाबालिग 14 से 15 वर्ष के थे, इसलिए फिलहाल पुलिस ने माफीनामा लिखवा कर इन बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया है और भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह की शिकायत आती है तो सिर्फ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 14 से 18 साल के बच्चों के परिजनों से थाना प्रभारी अशोक चौहान ने अपील करते हुए कहा कि इस उम्र में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। परिजन अपने बच्चों की हत्या कर उनके आने जाने और उनके साथियों पर भी नजर रखें, ताकि इस तरह की किसी भी हरकत के लिए उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पोंटो साहिब से देवान शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।